सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी बांग्लादेश के मुद्दे पर, जिसपे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और स्वयं प्रधानमंत्री नहीं थे उसमें, गृह मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, और राहुल जी ने पूरी बात रखी। राहुल जी ने कहा भी कि सत्ता सरकार क्या कर रही है वहां के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिली, अजीत डोभाल से वार्ता हुई, वहां पर थी। शेख हसीना जी कहां है, हिंदुस्तान में है, गाजियाबाद के एयरबेस पे है या कहीं बाहर चली गई। स्टैंड मजबूती से लेना चाहिए और इनको डटकर खड़े होना चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए। बॉर्डर पर आकर शरण मांग रहे हैं, इधर योगी जी बोल रहे हैं कि नहीं, हम हिंदुओं की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। जो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं ये लोग, जमीन पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, आप देख सकते हैं, जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी बांग्लादेश के मुद्दे पर, जिसपे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और स्वयं प्रधानमंत्री नहीं थे उसमें, गृह मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, इन लोगों ने बात रखी। उस पर राहुल जी गए थे और राहुल जी ने पूरी बात रखी। राहुल जी ने कहा भी कि सत्ता सरकार क्या कर रही है वहां के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, और स्वयं प्रधानमंत्री जी जो इनकी अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई गई थी, स्वयं वो गायब थे। और ये आप देख सकते हैं कि जब वहां के प्रधानमंत्री बांग्लादेश से निकली, तो हिंदुस्तान के गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर, जो एयरफोर्स का एयरबेस है, वहां पर वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिली, अजीत डोभाल से वार्ता हुई, वहां पर थी। उसके बाद से उनका पता नहीं चल रहा है कि कहां वो वहीं पर रुकी हैं कि कहां गई हैं। मैं समझता हूं कि इसके बारे में इनको स्पष्ट करना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को कि शेख हसीना जी कहां है, हिंदुस्तान में है, गाजियाबाद के एयरबेस पे है या कहीं बाहर चली गई। ये तो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि उनके राष्ट्रीय सलाहकार उनसे मिले और उनको यहाँ पर संरक्षण दिया। बिल्कुल स्टैंड नहीं, स्टैंड ढीला है, लचीला स्टैंड है। स्टैंड मजबूती से लेना चाहिए और इनको डटकर खड़े होना चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए कि अत्याचार अन्याय न हो, और इस तरह की अगर चीजें होंगी तो फिर सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि जो अत्याचार अन्याय हो रहा है वो गलत है पूरी तरीके से। आज इस तरीके से वहां चीजें सताई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं जो चीजें, और हिंदू बॉर्डर पर आकर शरण मांग रहे हैं, इधर योगी जी बोल रहे हैं कि नहीं, हम हिंदुओं की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, यहां पर बोल रहे हैं। उनका बयान मैंने पढ़ा अयोध्या में, केवल चुनाव के लिए, वोट लेने के लिए उपचुनाव में, और एक तरफ हिंदू शरणार्थी वहां पर बेचारे अपनी जान माल की गुहार कर रहे हैं, बीएसएफ उनको रोक रही है। अरे उनको अगर वो दिक्कत परेशानी है तो उनको शरण दीजिए, आप हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं तो उनको शरण दीजिए, उनको उनका उनकी मदद करिए और उनके साथ खड़े हुए सरकार को चेतावनी दीजिए। जो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं ये लोग, जमीन पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लचीला स्टैंड है, कोई स्टैंड नहीं भाई, बिल्कुल इनको वहां मजबूती से चेतावनी देनी चाहिए वहां की सरकार को कि अगर नहीं रुकेगा तो हम इस पे फिर कड़ा रुख अख्तियार करेंगे, और निश्चित तौर से उस पे आगे की कार्रवाई सबसे बात करके आगे निर्णय लेना चाहिए कि इस पे क्या करना है, क्योंकि इस तरह का अत्याचार अन्याय तत्काल बंद करे, तत्काल बंद होना चाहिए। चीजें खराब हो रही हैं और इस पे केंद्र सरकार को, मोदी जी को, जो बड़ी बड़ी बात बोलने वाले ये लोग हैं, केवल हिंदुत्व की बात करने वाले, स्टैंड नहीं ले रहे हैं। स्टैंड लेना चाहिए और डटकर खड़ा होना चाहिए और वहां हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए इनको आगे आना चाहिए। देखिए, वो स्थिति परिस्थिति जब आएगी तब देखा जाएगा। वर्तमान की जो स्थिति है, जहां पे आपके लोग सताए जा रहे हैं, जहां परेशान किए जा रहे हैं, केवल झूठी बात ना बोलकर उनको, उनकी मदद करिए, उनके शरणार्थियों को शरण दीजिए, उनकी रक्षा करिए, उनके साथ पूरी मुस्तैदी और डटकर खड़े रहिए। निश्चित तौर से पूरा देश ये चीज देख रहा है। देखिए, पूरी तरीके से पूरे, मैं कहना चाहूंगा, बंगाल हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कहां अभी उठाकर आप देख सकते हैं, हर जगह अत्याचार अन्याय बढ़ रहा है, कहीं बाकी नहीं है। जहां पर भी इस तरह के दरिंदे हैं, जिस जगह पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर के साथ ऐसा किया, आम लोगों के साथ ऐसा लोग कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से वो अमानवीय कृत्य है, वो गलत लोग हैं, उनके खिलाफ फांसी की सजा होनी चाहिए। ये सब देखिए नाटकबाजी है, ये सब केवल और एक स्टंटबाजी है, दबाव बनाकर उसको थाने में सरेंडर कराना, ये सब केवल एक जो ये चीजें, इससे सुधार नहीं हो रहा है। आप देखिए, जब तक पुलिस प्रशासन, आप देख रहे हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपने देखा अभी बलिया का मामला, देखा अभी आपने
लखनऊ के कई जगह के मामले, इस तरह की चीजें जो सामने आ रही हैं, तमाम ऐसे जितने बॉर्डर की जितने जिले हैं, जितने जिले बॉर्डर के आपको बताता हूं, शहर के अंदर हर जगह पूरी तरीके से पुलिस जो है इस चीज में लगी हुई है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया और पूरी तरीके से अब थाना का थाना सस्पेंड हो रहा है। पहले कभी ऐसा होता था, अब सिपाही को पकड़ने के लिए अधिकारी जा रहे हैं, एडीजी जा रहे हैं, सूची ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब पुलिस के ऊपर ही नियंत्रण नहीं रह गया तो कानून कहां से सुधरे? कानून व्यवस्था सुधारने वाले पुलिस के लोग हैं, वो खुद ही पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, केवल और केवल पैसा कमाना, प्रताड़ित करना। अभी देखिए, एक मुख्यमंत्री के घर के सामने एक गई महिला, उसको आग लग गई। ठीक है, वकील की गलती है, वकील ने गलत काम किया चढ़ाया, पर वो क्यों परेशान हुई, क्यों ऐसा करने के लिए बाध्य हुई, इसमें भी जाना चाहिए सरकार को कि बाध्य क्यों ऐसा काम क्यों उस बिटिया ने किया। उसको जरूर गंभीरता से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस थाने में लोग जा रहे हैं केवल और केवल उनको वहां से भगाया जा रहा है, टरकाया जा रहा है, और पुलिस पूरी तरीके से, इनके मंत्री और इनके लोगों ने कहा है कि पूरी तरीके से तहसील में थानों पर दलाल हावी है, पूरी दलाली चल रही है, पूरी सरकार में दलाल सिस्टम हावी है, दलाली का काम कर रहा है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।